तो दोस्तों इस प्रोपेलर को बनाने के लिए मैं एक तो टिन का यूज करूंगा। आपको एक तो टिन ले लेना है और इसके बाद आपको एक तो कॉपी का कुट ले लेना है और इसको कुछ इस तरह से मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ने के बाद कुट को कुछ इस तरह से कट कर लेना है। दोस्तों हमने कुट को कुछ इस तरह से कट कर लिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इस कुट को इस टिन के ऊपर में इस तरह से रखना है। अब आपको एक तो पेन लेना है और इस पेन से यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देना है। दोस्तों अब इसको एक कैंची की सहायता से इस टिन को कुछ इसी तरह से कट कर लेना है। दोस्तों हमने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है, देख सकते हैं। दोस्तों अब इसको यहाँ पे बीच में कट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूरा कट नहीं करना है, आपको आधा ही कट करना है, देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा इसे आगे पीछे बेंड कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों जितना हो सके कुछ इस तरह से बेंड कर देना है। अब आपको एक तो पेन का रिफिल का टुकड़ा लेना है और इस पेन के टुकड़े को यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको जितना हो सके कुछ इसी तरह से, जितना बेंड हो सके इसको पूरा बेंड कर देना है, जिससे कि अब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हटा सके। अब फिर से इस पेन के टुकड़े को यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों अब आपको कपड़ा सीने वाला धागा लेना है और इस धागा को यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोपेलर के साथ इस तरह से बांध देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ बहुत ही मजबूती से यहाँ पे धागा लपेट दिया है। अब इसको और मजबूती देने के लिए हम यहाँ पे गोंद लगा देंगे। आप यहाँ पे फेविक्विक भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोपेलर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा इस प्रोपेलर को इधर आगे की ओर झुका देना है। अब हम एक तो रेती लेंगे और इस रेती की सहायता से इस प्रोपेलर को घस के साफ कर देंगे, जिससे यह दिखने में अच्छा दिखे। तो दोस्तों प्रोपेलर को ये वाला भाग को कुछ आगे की तरफ झुका देना है, देख सकते हैं किस तरह हमने झुकाया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हमारा प्रोपेलर बन के तैयार हो गया है। अब आइए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम इस प्रोपेलर को इस मोटर में लगा देंगे। अब आइए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मोटर चलना स्टार्ट हो गया है और ये प्रोपेलर पानी को बहुत ही हाई स्पीड में आगे की तरफ फेंक रहा है। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में एक तो इलेक्ट्रिक बोट बनाएंगे और उस बोट में इसी प्रोपेलर का यूज करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बोट कितना स्पीड से चलता है।